डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम लोग देखेंगे एक खास पैटर्न पर दी गई संख्याओं का गुणनफल बिना समय गंवाए कैसे ज्ञात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि वो खास पैटर्न क्या है, तो खास पैटर्न यह है कि इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, 8 2 10, 8 2 10, 6 4 10, 9 1 10, 9 1 10, यहाँ 7 3 10, 6 4 10। मीन्स इकाई के अंकों का योगफल 200। और दूसरा कंडीशन है, दहाई के अंक सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 7 तो 7, 7 5 5 9 9, यहाँ देखें 8 2 10, यानी इकाई के अंकों का योगफल 10। और फिर यहाँ पर दहाई और सैकड़ा का अंक, यहाँ भी दहाई और सैकड़ा का अंक सेम है, यहाँ भी दहाई और सैकड़ा का अंक और यहाँ भी दहाई और सैकड़ा का अंक सेम है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हों तो बिना समय गंवाए कैलकुलेटर से भी तेज मात्र 1 सेकंड में आप इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। बिना समय गंवाए आप इसका गुणनफल ले सकते हैं। कैसे? तो इकाई के अंक में गुणा कर दीजिए 8 2 9 16, और दहाई के अंक देखिए, दहाई के अंक 2 है, तो दहाई के अंक और उसके जस्ट बाद वाली संख्या से गुना कर दीजिए। जैसे 2 है तो उसके बाद 3, 3 है तो उसके बाद वाली संख्या 4, 4 है तो बाद वाली संख्या 5। मीन्स द नंबर जस्ट आफ्टर। तो 2 है तो 2 के बाद 3, तो 2 3 6, 7 3 21, और यहां 4 5 20, 6 4 24, यहां पर 2 3 6, यहां देखे 9 1 9। अब थोड़ा सावधान रहना होगा यहां पर, यहां 6 4 24 दो अंक आपको मिले थे, यहां केवल एक अंक मिल रहा है। तो याद रखिएगा, अगर एक अंक मिलता है तो एक अंक नहीं दो अंक में लिखना है, इसके लिए एक 0 लिख देना है। मीन्स 9 1 9 आए तो 0 9 लिखेंगे, और फिर वही बात, 2 के बाद वाली संख्या 3, तो 2 3 6, 6 4 24, और ये हो जाएगा 4 5 20, फिर हो जाएगा 2 8 16, और ये हो जाएगा 3 4 12, 2 8 16, 4 5 20, फिर यहाँ पर 4 6 24, और 3 4 12, 9 1 9, फिर देखिए 9 9 1 9, मीन्स 9 1 9 आ रहा है तो 0 9 लिखेंगे, 4 5 20, आराम से आप लिखते जाएंगे। फिर यहाँ 9 1 9, तो 2 अंक में 0 लिख लेंगे, 0 9 लिखेंगे, 5 6 30, फिर यहाँ पर 8 2 9 16, और 5 6 30, यहाँ पर 7 3 21, और ये हो गया 5 6 30, 6 4 24, और ये हो जाएगा 5 6 30, यहाँ फिर देखिएगा 9 1 9, तो 0 9 लिखना पड़ेगा, दो डिजिट आपको लिखना है, मीन्स 2 अंक लिखना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, अगर गुना करने पर एक अंक आता है तो 0 लेकर के 2 अंक पूरा कर लेंगे। फिर 7 है, 7 के बाद वाली संख्या 8 होगा, 7 8 56, 8 2 9 16, 7 8 56, ये हो जाएगा 3 7 21, 7 8 56, फिर यहाँ 6 4 24, ये हो जाएगा 7 8 56। बिना समय गंवाए ओनली 1 सेकंड में आप लिख सकते हैं, यानी आप देख रहे हैं 8 2 9 16, 8 9 72, 9 1 9 तो 0 9, और 8 9 72, यहाँ पर 6 4 24, 9 8 72, फिर यहाँ पर 8 2 9 16, और ये हो जाएगा आपका 9 10 90। तो यहाँ भी माफ कीजिएगा, यहाँ 9 10 90 यहाँ भी होगा, यानी 6 4 24 और 9 10 90, क्योंकि 9 के बाद वाली संख्या 10 है, यहाँ भी 9 है तो 9 10 90। फिर अब यहाँ देखिए वही कंडीशन, 8 2 9 16 तो लिखेंगे,
लेकिन यहां 11 है, यहां 11 देखेंगे एक अंक नहीं। ऐसी परिस्थिति में 11 के बाद वाली संख्या 12 है, तो 12 में 11 से गुना करेंगे आपको हो जाएगा 132। फिर यहां याद दो ना 16, और फिर 12 है तो 12 के बाद वाली संख्या 13 है, तो 12 13 में गुना करेंगे आपको आएगा 156। इस तरह से बिना समय गंवाए आप आसानी से गुना कर सकते हैं। एक सेकंड का समय लगेगा या उससे कम समय में आप गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी आपका दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चल सकता है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह का गुणनफल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपके लिए यह प्रोसेस उपयोगी साबित हो सकता है। फिर कभी मिलेंगे अगले क्लास में आपके लिए अगला कोई विषय लेकर के, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।